गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। वैसे तो आप सभी इस जगह से भलीभांति परिचित होंगे, फिर भी जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए बता दूं, ये कोठी है जहां से अटल टनल और रोहतांग के लिए रास्ते का विभाजन होता है। ये जो लेफ्ट साइड को जा रहा है अटल टनल के लिए, और राइट साइड को जो रास्ता कट रहा है वो रोहतांग के लिए है। आज हम आप लोगों को ले चलते हैं कोठी पिकनिक पॉइंट, एनजीटी बैरियर, गुलाबा और मड़ी। यह है कोठी गांव से खूबसूरत सा नज़ारा, ऊंची चोटियां, शांत मनमोहक वातावरण। यह छोटा सा कस्बा कोठी का, कोठी पलचान। देखिए ऊंची चोटियां, नीला आसमान, आसमान में बन रहे थे सफ़ेद बादल। ऐसा प्रतीत होता है कि हम किसी जन्नत में आ गए हैं। इस वक्त हम कोठी पिकनिक पॉइंट में हैं, काफ़ी चेंजेस हो गए हैं। अभी इसको स्वर्णिम वाटिका बना दिया है, ये देखिए, यह है स्वर्णिम वाटिका। यहाँ पर पहले ऐसे खुला ग्राउंड जैसा हुआ करता था, और भी अच्छा सा बना दिया है। बड़ी महिला है जो गाय चराने के लिए लाते हैं इधर को। यहाँ से नीचे एक झील भी बना है, बोला अभी अभी फॉरेस्ट वालों का बना हुआ है ये झील। अब इतना टाइम लगा लिया तो झील भी देख के आते हैं, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर घने पेड़, देवदार के इतने पेड़ हैं। इस वक्त हम गुलाबा बैरियर चेक पोस्ट के बिल्कुल नज़दीक हैं। ये गाड़ियाँ अपने परमिट दिखाने के लिए रुके हैं, हमें तो परमिट की आवश्यकता नहीं होगी शायद, इसलिए हम साइड साइड से निकल के सीधा ही जाएंगे वहाँ पर, और वहाँ पूछेंगे आगे का प्रोसीजर क्या है। काफ़ी लंबी लाइन लगी है। ये है जी गुलाबा NGT बैरियर और उसका पार्किंग। ये है जी ग्रीन टेक्स बैरियर पॉइंट गुलाबा का। अभी यहाँ पर सारी गाड़ियाँ रोक के रखे हैं, यहाँ से वही गाड़ी आगे जाती है जो
जिनका जिनके पास परमिट होता है दूसरी गाड़ियों को जाने नहीं देते हैं। लोल की गाड़ियों को जाने देते थे पहले, आप पता नहीं है पूछ। ये भी एनजीटी, पहले पुलिस वालों से बात की मैंने, पुलिस वालों ने एनजीटी के लिए बोला, एनजीटी वाले अब बोलते हैं कि गाड़ी ले आओ, आइंदा से आना हो तो परमिट बना के आना। यहाँ पर जब से टनल बना लोल की गाड़ियों के लिए भी यहाँ से बैन है बोल रहे हैं। बड़े मुश्किल से मनाया उनको लोल जाना है बोल के, शुक्र ये हो गया कि मेरे पास सवारी नहीं था, अगर सवारी होता तो बहुत मुश्किल था, मुझे जाना नहीं देना था। तो मैं यूट्यूब वीडियो बनाने के चक्कर में भी आ गया यहाँ से, इसलिए मुझे जाने दे रहे हैं अभी। अपनी मुश्किलों के बाद छोड़ दिया मुझे यहाँ से, यूट्यूबर होने का एक छोटा सा फायदा है ये, चाहे यूट्यूबर छोटा हो चाहे बड़ा हो, यूट्यूबर बोल के उन्होंने छोड़ दिया मुझे। कुछ लड़के ट्रेकिंग में जा रहे हैं, ये है जी अभी हम राला फाल में, रोशन का अपने आप में बहुत मशहूर पॉइंट है ये भी। बर्फ की चट्टानें, सड़क के दोनों ओर बर्फ की चट्टानें बनी हुई है यहाँ पर। अभी हम मड़ी में हैं, मड़ी है टूरिस्ट पॉइंट मड़ी, यहाँ पैराग्लाइडिंग लैंडिंग पॉइंट, मनाली और रोहतांग का सेंटर पॉइंट है ये, काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पर लंच ब्रेकफास्ट के लिए रुकते हैं। अभी मैं भी, और ये साइड में पैराग्लाइडिंग का लैंडिंग होता है। ये है जी पैराग्लाइडिंग पॉइंट मड़ी का, यहाँ से होता है पैराग्लाइडिंग। ये मैडम है जो पैराग्लाइडिंग के लिए जा रहे हैं, यहाँ से इस वक्त मड़ी के ऊपर है मैडम जो पैराग्लाइडिंग में जा रहे हैं। ये है जी रानी नाला, आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बर्फ इसी नाले में होता है। आप देख रहे हैं अभी रोड के दोनों ओर बर्फ के दीवार बने हैं, कम से कम 20-25 फुट दीवार बना हुआ है बर्फ का। यहाँ पर कम से कम 10 महीने रहता है।
वक्त हम है जी रोहतांग टॉप में। टूरिस्टों का जमावड़ा खूब है यहाँ पर, बहुत सारे टूरिस्ट हैं। बर्फ भी खूब है, बहुत है, पूरा बर्फ का आनंद ले रहे हैं। एक्टिविटी देखिए, एक्टिविटी यहाँ पर हर तरह का एक्टिविटी, घुड़सवारी, स्कीइंग। आप देख सकते हैं रोहतांग का जलवा, रोहतांग चल चल के मैं तो काफी थक गया हूँ। अभी आप लोगों को ऐसा लगा ये रोहतांग का सफ़र कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना।